वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। वेदर आप देख सकते हैं बहुत ही ठंड हो चुकी है इस वक्त। कैलगरी में इस वक्त जो है वो -2-3 डिग्री टेम्परेचर है। कल तक दोपहर तक कल जो है वो 15-17 डिग्री पॉजिटिव प्लस में था टेम्परेचर, और अब तो आप देख सकते हैं एकदम से ड्रॉप किया, रास्ते स्नो चल रही है। खैर, ये वीडियो जो है वो वेदर अपडेट्स के वाले से नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के वाले से। अगर आप कैलगरी में हैं, अल्बर्टा में, या आप कनाडा वाइड कहीं भी हैं और अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के थ्रू आप जो है वो पीआर अप्लाई करने वाले हैं, जो कि एआईपी प्रोग्राम है जिसके अंडर अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम आती है, रूरल स्ट्रीम आती है और दूसरी दूसरी स्ट्रीम्स आती हैं, तो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा ने किए हैं और एम्प्लॉयर ने उन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है, और आपकी जॉब रिक्वायरमेंट जो आपकी जो भी जॉब ऑफर होगी जिस जिस पोजीशन में भी, और अगर आपने एआईपी के थ्रू आगे नॉमिनेशन लेनी है तो मेक श्योर करना है आपने कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली समझें, क्योंकि ये आगे आपकी, अगर आपका एम्प्लॉयर या आपकी जॉब ऑफर जो है इन रिक्वायरमेंट से अलाइन नहीं है, देन डेफिनेटली देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी नॉमिनेशन आगे रिफ्यूज हो जाए। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, वीडियोज को हमारी आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ जी, मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बताता रहता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीएससी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक ये वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। सो लेट मी गो अहेड एंड शेयर माय स्क्रीन विद यू। ऑलराइट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं अल्बर्टा जॉब ऑफर एंड एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे से। तो अगर आप अल्बर्टा में मौजूद हैं या प्लान कर रहे हैं अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू इमिग्रेशन अप्लाई करने का, और ऑफकोर्स अगर आपकी जॉब ऑफर की इन्वॉल्वमेंट है, और आपको ऑफकोर्स ये न्यू चेंजेस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि डेफिनेटली ये आपको इम्पैक्ट करने वाली है, तो आपने मेक श्योर करना है इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, क्लियरली इंस्ट्रक्शंस को समझें, क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस में हैं कि आप ऑलरेडी अल्बर्टा में हैं, आपके जॉब ऑफर है और आप यू नो लाइक आगे आगे आपने अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू आपने जो है वो नॉमिनेशन अप्लाई करनी है, तो अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझेंगे या आपका एम्प्लॉयर इन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करेगा तो आपकी जो नॉमिनेशन है वो रिफ्यूज हो सकती है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस। पहले इतनी ज्यादा स्क्रूटनी नहीं थी या पहले इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं थी, बहुत ईजी होता था एम्प्लॉयर्स के लिए, कोई ज्यादा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है जी एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, वो ये है कि बिजनेस जो है वो लेजिटिमेट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट अपने चेक्स परफॉर्म करेगी टू मेक श्योर कि बिजनेस जो है वो कंप्लायंस को फॉलो कर रहा है, और ऑफकोर्स बिजनेस जो है वो लेजिटिमेटली जो है वो अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस को सिर्फ इसलिए यू नो लाइक रजिस्टर्ड किया गया है कि उससे लोगों को नॉमिनेट कर सकें, बिजनेस एक्चुअली लेजिटिमेट होना चाहिए और ऑपरेशनल होना चाहिए। ठीक है जी, और ऑफकोर्स गुड स्टैंडिंग के अंदर होना चाहिए, गुड सर्विस अल्बर्टा में प्रोवाइड कर रहा हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपको जॉब ऑफर मिल रही है वो बिजनेस जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए विद देयर बिजनेस एक्टिविटी और नीड्स, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का लेट्स से कोई हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस है, राइट, और वो जो है ट्रकिंग का बंदा हायर कर रहा है, सो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट गोना मेक एनी सेंस, राइट? सो आपका जो बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटी है जो एम्प्लॉयर की, वो जो जॉब ऑफर प्रोवाइड कर रहा है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए उसकी एक्टिविटीज और नीड के साथ, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है जी, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई दे कैन फुलफिल एट ऑल ऑफ द टर्म्स ऑफ द जॉब ऑफर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट। सो मतलब उन्होंने जो भी टर्म्स हैं जॉब ऑफर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से मेक श्योर करना है एम्प्लॉयर ने वो फुलफिल करे, और ऑफकोर्स ए आई पी जो है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू उसकी वेरिफिकेशन हो सके। ठीक है जी, अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अल्बर्टा का जो एम्प्लॉयर हो वो इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड हो। ठीक है जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन के हिसाब से जो है वो बिजनेस रजिस्टर्ड हो, और दूसरी चीज ये जी बिजनेस की जो प्लेस हो वो अल्बर्टा में हो, ऑफकोर्स। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, हैव बीन इन कंटिन्यूस एंड एक्टिव ऑपरेशन अल्बर्टा फॉर मिनिमम ऑफ 2 complete fiscal years। ठीक है जी, अब वो जो भी टैक्सेशन के लिए अपना फिस्कल ईयर यूज करते हैं, जनवरी टू दिसंबर, दिसंबर जुलाई टू जनवरी, जुलाई टू जून, राइट? सो जो भी वो पीरियड रिपोर्टिंग का यूज करते हैं उसके हिसाब से 2 fiscal years, ठीक है जी, उसमें बिजनेस जो है वो रिपोर्ट कर रहा हो या बिजनेस जो है वो ऑपरेशनल हो कम से कम। ठीक है ना, कंटिन्यूस एंड एक्टिव ऑपरेशन। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि 2 साल की फिस्कल ईयर की बिजनेस के ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, हैव अ प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस अल्बर्टा वेयर एम्प्लॉइज कैन रिपोर्ट टू वर्क रेगुलरली एज नीडेड एंड वर्क विद असाइनमेंट्स आर इश्यूड। सो बेसिकली इस तरह नहीं है कि आपने घर से कंपनी खोल दी। ठीक है जी, तो आपको बेसिकली प्रोफेशनल वे में चीजों को लेकर चलना है एम्प्लॉयर ने, और ऑफकोर्स उसके बाद एक प्रॉपर बिजनेस की लोकेशन है जहां पर एम्प्लॉयज जो है रिपोर्ट करें, और वहां से उनको जो भी वर्क असाइनमेंट है वो इशू हो। ठीक है जी,
अच्छा दूसरी चीज ये जी, डेमोन्स्ट्रेट द नीड फॉर द पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग अ वैलिड वर्क परमिट अंडर द फेडरल टेम्पररी फॉरेन वर्कर और इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, राइट। तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयर ने ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करनी है कि जो जेन्युइन जो पोजीशन है वो एक्चुअल में चाहिए और उस पर ऑलरेडी जो है वो वर्ल्ड वर्क परमिट इशू हो चुके हैं या फिर यू नो काइंड ऑफ ये एविडेंस प्रोवाइड करना है कि भाई उसने रीजनेबल एफर्ट किया है कि कैनेडियन सिटीजन परमानेंट रेसिडेंट्स को हायर करने की इन पोजिशन के लिए, और ऑफकोर्स वो नहीं मिल पाए, ठीक है ना। So, as demonstrated by recruitment outcome, will be used as a broad guideline when a nominee applicant is not already living and working in Alberta as a pre-existing stream or pathway criteria already stipulates, right? So, ये employer को जो है ना वो significant efforts दिखानी है as compared to previously इतना ज़्यादा चीज़ें tough नहीं थी। हम employer ने significant efforts दिखानी है कि भाई हमने पूरी कोशिश की है, reasonable बंदा हमें यहाँ नहीं मिल रहा जो Canadian citizen PR इन चीज़ों को fulfill करे, या फिर उसने already उस पर work permit दिखाना है कि भाई हमारे पास already temporary work permit पे इस position में बंदा काम कर रहा है या बंदी काम कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, टोटल ग्रॉस एनुअल रेवेन्यू जो है वो $4 लाख विच इज बेसिकली $400,000 फॉर द मोस्ट रिसेंट फिस्कल ईयर। तो लास्ट ईयर के अंदर जो भी सेकेंड फर्स्ट जो भी जो रिसेंट फिस्कल ईयर है उसके अंदर उसने 4 लाख प्लस का जो है वो टोटल ग्रॉस एनुअल रेवेन्यू दिखाना है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ देना एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिनिमम ऑफ 3 फुल टाइम एम्प्लॉयज इन अल्बर्टा, ठीक है जी। तो कम से कम ये 3 लोग दिखाने, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कंसिडर नहीं होते, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज मे बी कंसिडर द 1 फुल टाइम इक्विवेलेंट पोजीशन एज लॉन्ग एज द आवर्स टोटल एड अप टू एटलीस्ट एन एवरेज ऑफ 30 आवर्स पर वीक। तो 30 घंटे अगर होगा तो पार्ट टाइम जो एम्प्लॉय होगा वो एक फुल टाइम पोजिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। अगर एम्प्लॉयर जो है वो अपने $4 लाख का रेवेन्यू नहीं दिखाता है, सो उसके पास जो ऑप्शन है, अगर उसके पास $4 लाख का टोटल ग्रॉस रेवेन्यू नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है जी, और मिनिमम 3 एम्प्लॉयज नहीं दिखा पा रहा है, एम्प्लॉयर जो अभी भी क्वालिफाई है इस प्रोग्राम के थ्रू, स्टिल मे बी एबल टू क्वालिफाई, बट ऑफकोर्स जो रिस्ट्रिक्शन होंगी वो ये होंगी कि नॉमिनी एप्लीकेंट जो सपोर्ट कर सकता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द ईयर्स एम्प्लॉयर हैज बीन ऑपरेशन। तो बेसिकली जितना टाइम उसका ऑपरेशन होगा उसके हिसाब से जाहिर है वो नंबर्स की रिस्ट्रिक्शन होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 साल से ऑपरेट कर रहा है अल्बर्टा में तो 1 नॉमिनी, 3 साल से ऑपरेट कर रहा है तो 2 नॉमिनी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ फॉर ईच एडिशनल ईयर ऑपरेशन 1 एडिशनल नॉमिनी कैन बी सपोर्टेड, ठीक है जी। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ जी कैप्स ऑन नंबर ऑफ नॉमिनीज एंड एम्प्लॉयर कैन सपोर्ट विल बी अप्लाई टू एप्लीकेशन रिसीव ऑन और आफ्टर March 18, 2024। ऑफ कोर्स कैपिंग भी स्टार्ट हो गई है, जिस तरीके से जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट ने भी कैपिंग करना स्टार्ट कर दी है टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स पे, स्टूडेंट्स पे एंड ऑल दैट। So if a nominee leaves the employer, the nomination will be counted towards job offer eligibility of, or employer operation. You must confirm with your employer that they are able to support your application. Your application fee will not be refunded. ठीक है जी, बड़ी बेसिक चीज है, मेन चीज हमने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है। अच्छा जी, जॉब ऑफर के हिसाब से ऑफकोर्स आपकी जो job offer must be bona fide, signed by a legitimate, established and verified Alberta employer, must offer continuous paid work under employer-employee relationship, ठीक है जी। तो continuous paid work होना चाहिए, proper legitimate तरीके से job को create किया जाए, और of course वो जो है वो Alberta established and verifiable Alberta employer and must offer, so of course वो जो employer उसको verify कर सके government। तो ये चीजें जी, और एटलीस्ट आपको 30 घंटे की जो है वो मिनिमम फुल टाइम वर्क चाहिए, 12 महीने से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो, वेजेस और बेनिफिट जो भी है वो प्रोविंशियल मिनिमम वेज की रिक्वायरमेंट जो है उसको मीट करें, और ऑफकोर्स अगर लीमिया मीट और एक्सीड द रिक्वायरमेंट सेट ऑन द लीमिया, राइट, और मीट और एक्सीड द लोअर स्टेटेड स्टार्टिंग वेज ऑफ ऑक्यूपेशन अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री इन अल्बर्टा, ठीक है जी, जो मीडियम वेज है उसको एक्सीड करना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है जी। इसके अलावा जो इनएलिजिबल एम्प्लॉयर्स हैं बेस्ड ऑन द जॉब ऑफर, द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर और टू बी नॉमिनेटेड इवन इफ दे हैव अ जॉब ऑफर, पार्ट टाइम कैजुअल अगर आप हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, एम्प्लॉयज हु वर्क इन अल्बर्टा इन अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट इज नॉट ज़ोन्स ऑफ फॉर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन सच एज होम बेस्ड बिजनेसेस, ठीक है जी। तो ये वही चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था, एम्प्लॉयज हु डू नॉट वर्क इन अल्बर्टा सच एज दोज़ हु कंटिन्यू वर्क फ्रॉम आउटसाइड लोकेशन अल्बर्टा और हु वर्क एट अ प्रीमिसेस आउटसाइड ऑफ अल्बर्टा, ठीक है जी। तो ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कौन एलिजिबल है कौन नहीं, हमने मेन पॉइंट जो आपको बताने थे कि ये सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, तो आपने मेक श्योर करना है जी, अगर आपको AIP की नॉमिनेशन चाहिए, चाहे वो अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के थ्रू, होपफुली वो जब इन द फ्यूचर जब भी वो एक्टिव होगी या वो दोबारा रिज्यूम करते हैं ऑपरेशन उस स्ट्रीम के हवाले से, तो जाहिर ये सारी चेंजेस इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है जी। तो ये आपने मेक श्योर करना है जी, इन सारी गाइडलाइन को आप फॉलो करें एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी जॉब्स को फाइंड करें, और आप मेक श्योर करें आपका एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स मीट करता है, ताकि आप आगे आगे इजिली AIP के थ्रू नॉमिनेट हो सके। थैंक
थैंक यू। गाइस वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से जो अपडेट्स हैं ये क्लियरली समझ में आई होंगी। आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी और मेरी कोशिश होगी मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।